खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस शादी हॉल्स में इन और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। जहां पर 5% या इससे ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहां तालीमी इदारे मुकम्मल बंद करने का फैसला किया गया। सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदादे कोरोना इजलास के बाद मावने खसूसी कामरान बंगश और वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने मीडिया को तफसीलात बताई। कामरान बंगश का कहना था कि शादी हॉल्स में इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जहां पर 5% या इससे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ तालीमी इदारे मुकम्मल बंद किए जाएंगे। शादी हॉलों में शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर आज ही से पाबंदी का इतलाक होगा। 5% या इससे ज्यादा मुस्बित केसेस वाले तमाम अजलाम तालीमी इदारों की नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था कि मुकम्मल लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के 16 अजला में कोरोना केसेस की शरह ज्यादा है। पेशावर पर लोड ज्यादा है, शुमाली और जुनूबी अजला महफूज है। तीसरी लहर पहली लहर से ज्यादा मोहलिक है। 16 अजला है जहाँ पे पॉजिटिविटी ज्यादा है या ज्यादा हो रही है। उसमें ज्यादातर हमारे वो अजला जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है या पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। पेशावर में 7 डे पॉजिटिविटी 24% रही है। इमरान बंगश का कहना था कि सरकारी दफातर में 50% स्टाफ रखने की हिदायत की गई है और वज़रा को इख्तियार है कि वो इससे भी कम स्टाफ रखें। ट्रांसपोर्ट रमजान तक 2 दिन बंद रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम SOPs के मुताबिक जारी रहेगी। कैमरामैन अली रहमान के साथ मोहम्मद साद, पेशावर अब तक।